हेलो नितिन, हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। हेलो अंशुल, हाय, मैं बोल रहा हूँ अंशुल। ये बोल रहा था कि नितिन, मेरे को 1.5 लाख की ज़रूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपए दे दोगे क्या? आइयो नितिन, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूँगा। हाय अंशुल, मेरे को यार 2-3 लाख की ज़रूरत है, और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज़ दे दो यार, क्योंकि फिर क्या है कि एकता का कोई मामला नहीं होएगा, तो मैं तुमको दे दूंगा। शख्स एक पर किरदार अनेक। जी हाँ, यहाँ किसी रियल लाइफ के लिए ऑडिशन नहीं हो रहा, बल्कि एक रियल लाइफ ठग की जालसाजी का पर्दाफाश हो रहा है। दरअसल ये ठग मिमिक्री कर लोगों को उनका परिचित होने का झांसा देकर चूना लगाने का काम करता था। कैसे, खुद सुन लीजिए। हेलो नितिन, हाय, क्या कर रहे हो? मेरे को 2 लाख की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को आप 2 लाख रुपए दे दो। हेलो अंशुल, हाय, मैं बोल रहा हूँ अंशुल। ये बोल रहा था कि नितिन, मेरे को 1.5 लाख की ज़रूरत है, क्या मेरे को तुम 1.5 लाख रुपए दे दोगे क्या? आइयो नितिन, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं तुमको 5-6 दिन में दे दूँगा। हाय अंशुल, मेरे को यार 2-3 लाख की ज़रूरत है, और तुम मेरे को वो पैसे प्लीज़ दे दो यार, क्योंकि फिर क्या है कि एकता का कोई मामला नहीं होएगा, तो मैं तुमको दे दूंगा। तो सुना आपने, कितनी सफाई से ये ठग लोगों से पैसे मांग रहा है। कुछ इसी अंदाज में ड्रीम गर्ल बनकर इसने बिलासपुर के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से 1.40 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठग ने पहले लड़की की आवाज में इंजीनियर से बात की और शादी करने की बात कहकर जाल में फंसा लिया, फिर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलने लगा। जिसे परेशान होकर इंजीनियर ने पुलिस से शिकायत की। मामले की जाँच करते हुए पुलिस आरोपी तक पहुंच गई और उसे मध्य प्रदेश के मैहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की माने तो सरकंडा के रहने वाले नितिन जैन महाराष्ट्र के पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्हें शादी करने के लिए लड़की की तलाश थी। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मैहर के रहने वाला रोहित जैन अपने भाई से मिलने पुणे गया हुआ था। इसी दौरान नितिन और रोहित की मुलाकात हुई। बातचीत में उसने बताया कि शादी के लिए उसे लड़की की तलाश है। बस इसी का फायदा उठाते हुए रोहित ने नितिन से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने लड़की तलाशने की बात कहकर नितिन को अपने भरोसे में ले लिया। इसके बाद उसने इंटरनेट से 3 लड़कियों के फोटो निकालकर नितिन को भेजे, जिसमें से एक युवती को नितिन ने पसंद कर लिया। रोहित ने उसका नाम एकता जैन बताया। फिर उसने खुद ही दूसरे नंबर से लड़की बनकर नितिन से बात करना शुरू कर दिया। पहले रोहित ने एकता बनकर नितिन से अलग अलग बहाने लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। फिर अलग अलग सिम से खुद को एकता का भाई, जज और अधिकारी बनकर नितिन को ब्लैकमेल कर 1.40 करोड़ रुपए वसूल लिए। सर, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं था कि मैं उनको ठगूं, कुछ करूं। बाकी तब मैंने उनसे मेन पहले रोहित बन के पैसे लिया। जब मैं उनको पैसे दे दिया तो उन्होंने बोला कि यार अब मैं रोहित तुमको पैसे नहीं दूंगा, और मेरी एज 44 ईयर हो गई है, और मैं डिवोर्स शुदा हूँ, तो मेरे के लिए प्लीज़ लड़की बताओ, कोई जैन हो तुम्हारे वहाँ एरिया में। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, लड़की में देता हूँ। तो 2-3 फोटोज़ मैंने उनको भेजी और बोला कि भैया कैसी है आपको बताइए, मॉडल टाइप की नहीं चाहिए, मेरे को संस्कारिक चाहिए। गौरतलब है कि आरोपी रोहित जैन मिमिक्री आर्टिस्ट है, लिहाजा वो आवाज़ बदलने में माहिर है। ऐसे में हमें इस मामले से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि हर फोन कॉल पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि आवाज़ के ठग इसी फिराक में बैठे हैं कि कब आपको चूना लगाएं। ऐसे में अगर सावधानी हटी तो आपके साथ भी ऐसी ही दुर्घटना घटित हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, और जांच परख कर ही किसी को पैसे वगैरह ट्रांसफर करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।